नमस्कार, मैं ताबिश सेन और वक्त है फास्ट 50 का। 50 बड़ी खबरें तेज रफ्तार से। वाराणसी में रोड शो के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। वाराणसी से दिल्ली के लिए निकल रही सोनिया गांधी के विमान को बाबतपुर एयरपोर्ट पर ही रोका गया है और खबर है कि राहुल गांधी भी वाराणसी जा सकते हैं। आज वाराणसी में रोड शो के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई। लंबे अरसे से अटके जीएसटी बिल के पास होने का ख्वाब कल पूरा हो सकता है। सरकार जीएसटी बिल को कल राज्यसभा में पेश करेगी। इसी सिलसिले में आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जहां बीजेपी सांसदों को इस बिल को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरी जानकारी दी। इससे पहले बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर मौजूद रहने को कहा है। सरकार को केंद्र समेत ज्यादातर क्षेत्रीय दलों ने समर्थन की बात कही है। बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल आज राज्यसभा में पास हो गया। बिल के पास होने से बेनामी ट्रांजैक्शन पर लगाम लगाई जा सकेगी। बिल में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मनी से घर या जमीन खरीदता है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है। इस बिल में जो संशोधन किए गए हैं, उसके तहत जो लोग अघोषित संपत्ति के बारे में सरकार को बता देंगे, उन्हें सजा नहीं मिलेगी। आज के कारोबार में बाजार में भारी उठापटक रही। भारतीय बाजार में अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन यूरोपीय बाजारों में आई बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव देखने को मिला और बाजार दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 21 अंक और निफ्टी 13 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी, मेटल, टेलीकॉम, माइक्रो फाइनेंस और एविएशन शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बाजार जल्द 9000 का स्तर दिखा सकता है। बाजार की जानकार टीएस हरिहर के मुताबिक बाजार में अभी गिरावट की संभावना नहीं है और भारत में भारी विदेशी निवेश आगे भी जारी रहेगा। दुनिया में सारे मार्केट्स के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि देयर इज अ रिस्क ऑन ट्रेड टुवर्ड्स इक्विटीज और मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में भी फ्लोज आएंगे, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट्स होगा। आई थिंक अगले एक दो महीने हम शायद 9000 देख सकते हैं निफ्टी में। आई डोंट थिंक कोई खास करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। वी मे हैव इंटरमीडिएट करेक्शन बट आई थिंक दिस मार्केट लुक्स पॉइज्ड टू टच 9000। पहली तिमाही में इंडियन बैंक का मुनाफा 42.8% बढ़कर 307 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में इंडियन बैंक का मुनाफा 215 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में इंडियन बैंक की ब्याज आय 10.4% बढ़कर 1236 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। जुलाई महीने में बजाज ऑटो की कुल बिक्री में मामूली गिरावट आई है। साल दर साल आधार पर जुलाई में बजाज ऑटो की बिक्री 0.1% घटी है। इस साल जुलाई में बजाज ऑटो ने कुल 3,29,000 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले साल जुलाई में कंपनी ने 3,30,000 गाड़ियां बेची थी। बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट में जोरदार गिरावट देखने को मिली। दिग्गज रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा है कि खराब इंफ्रा के बावजूद भारतीय कंपनियों का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के मुताबिक भारतीय कंपनियों की चीनी कंपनियों से बेहतर ग्रोथ रहेगी, साथ ही भारत की क्रेडिट रिस्क में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं S&P का कहना है कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से मेक इन इंडिया की धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जापान की सरकार ने 27,400 करोड़ डॉलर यानी 18.36 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी। 2008 आर्थिक मंदी के बाद ये अभी तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चेतावनी दी थी कि इसका जापान की इकोनॉमी पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
मुंबई के सीलिंग प्रोजेक्ट को बीएमसी खरीद कर इसे टोल फ्री कर सकती है। बीएमसी कोस्टल फ्री वे प्लान के तहत ऐसा कर सकती है। हालांकि बांद्रा से आगे जाने वाले यात्रियों के लिए टोल लगाने का प्रस्ताव है। बांद्रा वर्ली सीलिंग एमएसआरडीसी की प्रॉपर्टी है, जिस पर एमईपी इंफ्रा टोल वसूलती है, जबकि नरीमन पॉइंट से कांदीवली तक कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा बीएमसी के पास है। ओला उबर और फ्लीट कैब से कंपटीशन झेल रही मुंबई की 250 काली पीली टैक्सी ने 200 रुपए से ऊपर के किराए पर 20% छूट देने का फैसला किया है। टैक्सी की सेवा 9211 कैब द्वारा चलाए जा रहे कॉल सेंटर में फोन करके ली जा सकती है। इस कॉल सेंटर की सेवा टैक्सी यूनियन भी ले रहे हैं, जो निकट भविष्य में काली पीली टैक्सी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करना चाहते हैं। सरकार पॉवर्टी लाइन से ऊपर के लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी को खत्म करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब समय आ गया है कि इस बात पर विचार किया जाए कि आखिर एलपीजी सब्सिडी की जरूरत किसको है, उन्हें सब्सिडी क्यों मिले जिसे इसकी जरूरत ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार नई गाड़ियों पर 1% सेस लगाने पर विचार कर रही है। राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रोड सेफ्टी सेस के नाम पर ये 1% सेस का प्रस्ताव दिया है। सेस से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल रोड सेफ्टी फंड के लिए करने का प्रस्ताव है। गाड़ियां जब खरीदी जाएंगी उसी समय रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स की तरह ये रकम वसूली जाएगी। अब टेलीकॉम उपभोक्ता ट्विटर के जरिए भी सरकार से शिकायत कर सकते हैं। टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने टेलीकॉम और पोस्टल उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए ट्विटर सेवा शुरू की है। यानी अगर आपको टेलीकॉम और पोस्टल सेवाओं से संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप टेलीकॉम मंत्री को ट्वीट करके शिकायत कर सकते हैं। टेलीकॉम मंत्री का ट्विटर हैंडल है @मनोज सिन्हा BJP। ट्विटर सेवा दोनों मंत्रालय मिलकर के लॉन्च कर रहे हैं और सामान्य उपभोक्ता की जो भी शिकायत होगी, वो टेलीकॉम से संबंधित हो, कॉल से संबंधित हो, डेटा से संबंधित हो, ब्रॉडबैंड से संबंधित हो, चाहे वो BSNL MTNL की हो या TSPs की हो, और पोस्टल से संबंधित जो शिकायतें हैं, इस ट्विटर सेवा के जरिए हम कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्याओं का समाधान हम शीघ्र कर सकें। अगर आप एंटरप्रेनर हैं और दूसरे शहर में आना जाना रहता है और होटल में ठहरने के खर्च से परेशान हो गए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब बेंगलुरु में एंटरप्रेनर्स के लिए हॉस्टल खुला है। कंस्ट्रक्ट नाम से खुले ये हॉस्टल एक स्टार्टअप हॉस्टल है और इसे यूरोप में बैकपैकर्स हॉस्टल्स की तर्ज पर खोला गया है। ये एक बिजनेस फ्रेंडली हॉस्टल है जो ट्रैवल करने वाले स्टार्टअप एंटरप्रेनर्स को ठहरने के लिए सुविधा देगा। आनंदीबेन के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलबाजी के बीच रेस में आगे चल रहे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजय रूपाणी ने कहा है कि वो किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार है। हालांकि सीएम पद की रेस में नितिन पटेल और पुरुषोत्तम रूपाली भी हैं। नवंबर में 75 साल की होने जा रही आनंदीबेन ने कल सोशल मीडिया पर सीएम पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल होगी। गुजरात बीजेपी प्रभारी दिनेश शर्मा विधायकों से चर्चा करेंगे। गुजरात के नेताओं से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय आलाकमान को सौंपेंगे।
आनंदीबेन के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि गुजरात की बर्बादी के लिए 13 साल का मोदी शासन जिम्मेदार है। बीजेपी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। सूत्रों के मुताबिक 8 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी का दामन थामेंगे। बीएसपी छोड़ने के बाद उनके बारे में लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। देखिए श्री अखिलेश यादव जी की वो चच्चा। बुलंदशहर गैंगरेप मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आज बीजेपी ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए और अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान को आड़े हाथों लिया गया। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बुलंदशहर गैंगरेप पर दिया गया आजम का बयान गैर जिम्मेदाराना है। देखिए श्री अखिलेश यादव जी की वो चच्चा है और चच्चा की बात अखिलेश जी गंभीरता से लेते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेती। इतनी शर्मनाक घटना, इतनी दर्दनाक घटना, इतनी पीड़ा पहुंचाने वाली घटना पे कोई इतनी हल्की बात करे तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति श्री अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में ही हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश की समय बागडोर संभाले हैं, जिला संभालने की स्थिति में नहीं है। विवादित बयान पर पलटे समाजवादी पार्टी नेता आजम खान। बुलंदशहर गैंगरेप को विरोधियों की साजिश बताने से इनकार, बोले इस मामले की जांच होनी चाहिए। बुलंदशहर गैंगरेप पर आजम खान के बाद अबू आजमी का विवादित बयान सामने आया है। अबू आजमी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। अबू आजमी ने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी बताया। आजम खान पर भड़का गैंगरेप पीड़ित का परिवार। पीड़ित लड़की के चाचा ने कहा, पागलपन का शिकार हो गए हैं आजम खान। संसद की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डालने वाले वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच सांसद चंदू माजरा, महेश गिरी और हरिंदर खालसा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि शराब की लत छुड़ाने के लिए भगवंत मान को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए। कमेटी में शामिल सदस्यों का कहना है कि मान को अपनी गलती पर पछतावा नहीं है। नाडा से क्लीन चिट मिलने के बाद पहलवान नरसिंह यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मिलने के बाद नरसिंह यादव ने बताया कि पीएम उन्हें आशीर्वाद पीएम ने दिया है। नरसिंह के मुताबिक पीएम ने भरोसा दिलाया है कि उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। डोप टेस्ट में नरसिंह यादव पहले ए और उसके बाद बी सैंपल उनका फेल हो गया था।